हे hey दोस्तों, आज हम बैटरी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि पहला जो फ़ोन आया था उसका बैटरी बैकअप कितना था, हम कितनी मिनट बात कर सकते थे, या फिर अगर ऐसा हो फ्यूचर में हमारी बैटरी कभी ख़त्म ही ना हो, हमें कभी चार्ज लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े स्मार्टफोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, कैसा होगा हमारा फ्यूचर। ऐसे इनक्रेडिबल फैक्ट्स को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। स्टे ट्यून्ड रहें आपके अपने चैनल टेक फैक्ट टॉक्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं टेक की इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के साथ। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि जो पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो यूज किया जाता था वो बैटरीज को ही यूज किया जाता था। जी हाँ, फर्स्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे बैटरीज थी आफ्टर 19th century। हाँ, 19th शताब्दी के बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक ग्रिड्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, मतलब हमारे पास एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस हुई। बट बैटरीज का इतिहास इससे भी पुराना है। जी हाँ, सबसे पहले हमने बैटरीज ही यूज़ की है एज ए इलेक्ट्रिसिटी। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं जो पहली बैटरी कब इंट्रोड्यूस हुई थी और किसने इंट्रोड्यूस की थी। जी मैं बताता हूँ, जो पहली बैटरी थी वो वोल्टिक सेल के नाम से जानी जाती थी। जी हाँ, और इसे इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, जी हाँ, इन 1798। जी हाँ, पहली बैटरी इंट्रोड्यूस की गई थी। बट इन 1938 इराक में एक डिस्कवरी की गई जिससे हमें ये पता लगा कि हमारी जो बैटरीज का टेक्नोलॉजी है वो इससे भी पुरानी है। जी हाँ, हमें एक पोइट्री जो एक मिट्टी का घड़ा होता है उसके अंदर एक कॉपर की रोड और एक आयरन की रोड मिली। जैसे एक बैटरी के अंदर कैथोड और एनोड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं और बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही हमें एक एंशियंट पोर्ट मिला जिसे एंशियंट बैटरी का नाम दिया गया। जी हाँ, एंशियंट बैटरी मान सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं कि हमारा बैटरी का इतिहास काफ़ी पुराना है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले बैटरी शब्द किसने डेवलप किया था या किसने बोला था। सबसे पहला बैटरी शब्द जो डेवलप किया था वो बेन फ्रैंकलिन थे। जी हाँ, उन्होंने किया था। उन्होंने ये शब्द कहाँ से लिया था, उन्होंने ये शब्द लिया था एक मिलिट्री शब्द बैटरी से। जी हाँ, जिसका मतलब क्या था, ग्रुप ऑफ वेपन्स, एक साथ जो हथियार इकट्ठा होके चलते हैं। जी हाँ, जैसे वेपन्स के थोड़े से पार्ट्स एक साथ जुड़ेंगे और एक कम्प्लीट वेपन बना देंगे, उसी तरह एक बैटरी के छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स एक साथ मिलकर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड एज बैटरी। जी हाँ, जो हमें गैजेट्स को मूवेबल बनाती है कहीं भी ले जाने के लिए। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि जो हमारा पहला फ़ोन था, जी हाँ, उसकी बैटरी बैकअप कितनी रही होगी। जी हाँ, एक चार्ज करने के बाद वो कितने मिनट का टॉक टाइम प्रोवाइड करता होगा। जी मैं बताता हूँ, वो अराउंड 20 मिनट्स का टॉक टाइम प्रोवाइड करता था अगर एक बार चार्ज होता था। जी हाँ, अपनी बैटरी ख़त्म होने से पहले आप 20 मिनट उसे यूज़ कर सकते थे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपसे मेरा एक सवाल है, जी हाँ, अगर आज की डेट में भी हमारा स्मार्टफोन 20 मिनट का हमें बैटरी बैकअप देता तो आपकी ज़िंदगी कैसे होती। जी हाँ, अपने अपने फीडबैक को ज़रूर शेयर करें नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या विचार रखते हैं अगर हमारे आज की डेट में 20 मिनट तक ही स्मार्टफोन चलते होते। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्टों के हिसाब से अगर आप बैटरी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की बैटरी हो, लेड एसिड बैटरी हो, अल्कालाइन बैटरी हो, लिथियम आयन बैटरी हो या लिथियम पॉलीमर बैटरी हो, जी हाँ, अगर आप किसी भी टाइप की बैटरी की बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप उसे कोल्ड स्टोरेज कंडीशन में स्टोर कर सकते हो। जी हाँ, जिससे क्या होगा कि आपकी बैटरी का इंटरनल रिएक्शन स्लो हो जाएगा। जी हाँ, जिसका मतलब आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी एक्सटेंड कर जाएगी और काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अगर आप किसी कोल्ड प्लेस पर रखते हो, जैसे एग्जांपल है, अगर आप ठंडी जगह अपना फ़ोन चला रहे हो तो आपकी बैटरी बैकअप जो है वो लगा, अगर आप किसी हॉट प्लेस पर अपना फ़ोन चला रहे हो तो उसमें बैटरी बैकअप का काफ़ी डिफरेंस आएगा। जी हाँ, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि इंटरनल रिएक्शन जो है वो स्लो और फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी लूज बैटरी की जल्दी या स्लो होती है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बैटरी कहां पर है।
और कितने वेट की होगी। जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बैटरी है वो फेयर बैंक अलास्का में है जी। उसका वजन अराउंड 1300 टन है जी हाँ, 1300 टन बैटरी है जो अलास्का में है। और क्या आप जानते हैं कि जो आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो विच मीन्स क्या आप अपनी बैटरी कंडीशंस को रिवर्स कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि आप बैटरी की फ्यूचर से उसे फिर पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं जी हाँ। एक तरह से वो अपना जितना भी सिस्टम है उसे रिवर्स कर लेती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि एक जो बैटरी है वो कितने समय तक चल सकती है जी हाँ, मैं बताता हूँ। इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो घंटी है या बोल सकते बेल है वो अराउंड 175 ईयर्स तक कंटिन्यूस रिंग की, बट शेल जो है वो कंटिन्यूस चलता रहा, बट किसी को भी नहीं पता इसमें कौन सी बैटरी कंपोनेंट्स लगे हैं या कौन सी बैटरी टाइप लगी है, ना ही किसी ने कोशिश की इसे जानने के लिए, क्योंकि जो हमारी बेल है वो काफ़ी एंटीक है जिसे कोई डैमेज नहीं करना चाहता, इसलिए कभी कोशिश नहीं की गई कि किस टाइप का सेल उसमें यूज़ किया गया था। ये काफ़ी इंक्रेडिबल फैक्ट है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बेल अराउंड 175 ईयर्स तक कंटिन्यूस रिंग करती रही, कभी दिक्कत नहीं आई उसमें। तो आप समझ सकते हैं बैटरी की पावर क्या है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं जो हमारी स्मार्टफोन की ओल्ड बैटरीज है उनका क्या किया जाता है जी हाँ, या फिर कोई भी तरह की बैटरीज है जो ओल्ड हो जाती है तो उनको कैसे यूज़ किया जाता है। उसका फर्टिलाइज़र बनाया जाता है जी हाँ, क्योंकि बैटरीज में जिंक और मैग्नीशियम रिच कंपोनेंट्स होते हैं जो फसल उगाने के लिए काफ़ी पावरफुल होते हैं। जो कॉर्न की या बोल सकते हैं मक्की की खेती होती है उसके लिए फर्टिलाइज़र जो है वो हमारी जो रिसाइकल बैटरीज होती हैं या बोल सकते हैं डैमेज बैटरीज होती हैं उनसे बनाया जाता है जी हाँ। तो सोचिए आप बैटरी से अपना खाना उगाते हैं, एक तरह से समझ सकते हैं जी हाँ, हमारी बैटरी रिसाइकल भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं जो आप स्मार्टफोन में बैटरीज या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करते हैं तो उनका एक लाइफ साइकिल होता है। अगर आप उस लाइफ साइकिल को एक्सीड करते हैं तो आपकी बैटरी नहीं चलती है, मतलब उतनी ही लाइफ साइकिल चल सकती है। बट अगर आप अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की लाइफ साइकिल को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अच्छी कंडीशन में लाइफ साइकिल अचीव करना चाहते हैं तो आपको बैटरी 40-80% रखनी चाहिए जी हाँ, जो काफ़ी फिजिबल होगा कि आपकी बैटरी की लाइफ साइकिल या बैटरी हेल्थ को अच्छा रखेगी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट बैटरी किस साइज़ की है जी हाँ, या बोल सकते हैं सेल किस साइज का है। अराउंड 0.5 माइक्रोन की उसकी हाइट है एंड 150 नैनोमीटर्स की उसकी विड्थ है जी हाँ, मतलब चौड़ा है वो, काफ़ी छोटा है। और जनरली ऐसे सेल्स को यूज़ किया जाता है स्मॉल गैजेट्स में जी हाँ, जो काफ़ी स्मॉल गैजेट्स होते हैं उनके लिए इसे यूज़ किया जाता है, लाइक वॉचेस होगी, जैसे वो ओल्ड वॉचेस थी उसमें इन सेल्स का यूज़ किया जाता था। बट आज की डेट में तो मिनिएचर रिचार्जेबल बैटरीज भी बन चुकी हैं जी हाँ, काफ़ी एडवांस हो चुका है हमारा प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर बहुत भी एडवांस हो गया। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि हमारी बैटरी एक तरह से बॉम्ब का काम कर सकती है जी हाँ, मतलब एक्सप्लोड हो सकती है, बट डरने की बात नहीं है। ये सिर्फ एक प्रेशराइज्ड ऑक्सीजनेटेड कंटेनर जिसके अंदर, मतलब एक कंटेनर है या उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसके अंदर किसी बैटरी को आग लगती है तो वो एक तरह से धमाका करेगी बॉम्ब की तरह जी हाँ, क्योंकि हमारे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी एक तरह से प्रेशराइज्ड कंटेनर है ऑक्सीजनेटेड जी हाँ। अगर कोई बैटरी या कोई भी गैजेट उसके अंदर फायर पकड़ता है तो एक तरह से वो ब्लास्ट कर जाएगा जी हाँ, हमारा स्पेस स्टेशन ब्लास्ट कर जाएगा। बट हमारे साइंटिस्ट काफ़ी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ कर चुके हैं जिन्होंने सेफ्टी लेयर्स को जो है बैटरीज के ऊपर लगाया है, जो काफ़ी हेल्पफुल होती है, फायर पकड़ने से बचाती है बैटरी को जी हाँ। तो कोई भी एस्ट्रोनॉट्स को कोई भी डेंजर ना हो स्पेस में, उससे भी बचाती है। फैक्ट नंबर 4, जैसे कि आप जानते हैं कि जुगनू के पास प्रॉपर्टी है कि वो अपने एक ऑर्गन को लाइट एमिशन के लिए यूज़ कर सकता है, मतलब उसके उस ऑर्गन में एक लाइट जल सकती है, बट वो लाइट जलती कैसे है। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो केमिकल रिएक्शन शो करता है जी हाँ,
उसके उस ऑर्गन में केमिकल रिएक्शन होता है जैसे एक बैटरी के अंदर होता है। जी हाँ, उसके उस ऑर्गन में क्या होता है कि मैग्नीशियम आयन ATP, जी हाँ, एक एनर्जी की फॉर्म है इंसेक्ट के अंदर, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है और एक लाइट एमिट करती है, या वो उसके लाइट को ग्लो करती है उस ऑर्गन की। जी हाँ, ऐसे हमारी लाइट एमिशन होती है उस इंसेक्ट की। जी हाँ, जिसे हम बायोल्यूमिनस प्रॉपर्टी ऑफ इंसेक्ट भी बोल सकते हैं। जी हाँ, फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि हमारे फ्यूचर में बैटरी चार्ज करने का तरीका क्या होगा? जी हाँ, अब हम बैटरीज को कैसे चार्ज करेंगे, हमें किसी वायर की ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ, जो साइंटिस्ट के प्लान है वो वाईफाई के थ्रू ही अपने किसी बैटरी या किसी गैजेट्स को चार्ज करने के प्लान है। जी हाँ, अब इसमें कैसे वो चार्ज करेंगे, अब वाईफाई के थ्रू ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट किया जाएगा। जी हाँ, जिससे क्या होगा कि किसी भी स्मार्टफोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हम वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे। जी हाँ, ये काफ़ी इनक्रेडिबल हमारा फ्यूचर हो सकता है, ऐसे कुछ प्लान है फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करने के। जी हाँ, मतलब हम वायरलेस चार्जिंग तो करेंगे, बट इतनी वायरलेस होगी कि आपको, आप किसी कमरे के अंदर एंटर करेंगे और आपका फ़ोन या आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऑटोमेटिकली चार्ज लग जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं रहेगी बैटरी चार्ज करने की। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि आने वाले फ्यूचर में स्मार्ट क्लोथ्स का इन्वेंशन होगा या फिर इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारे रियल लाइफ में? जी हाँ, अब स्मार्ट क्लोथ में क्या होगा कि एक बैटरीज लग जाएंगी। जी हाँ, कि स्मार्ट क्लोथ की क्या प्रॉपर्टी रहेगी, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं या उसमें कोई भी आइकन बना सकते हैं किसी तरह का फिजिकल चेंज किए बिना, मतलब आप अपनी मनपसंद की उसी टी शर्ट को कभी भी बना सकते हैं जब आपका मन करे। बट हमें एक पावर सोर्स की ज़रूरत है जो ऐसा हो जिससे पता ही ना लगे हमें कि हमने एक शर्ट पाई है उसमें कोई बैटरी लग रही है या कोई वेट है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम क्या रखा है उन्होंने, ट्रैबो इलेक्ट्रिकल नैनो जनरेटर। जी हाँ, जिसे TENG के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अब ये क्या करेगा कि हमारी बॉडी मूवमेंट के साथ ही ये चार्ज हो जाएगा। जी हाँ, और जैसे ही चार्ज होगा तो वो आपके स्मार्ट क्लोथ्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए काम आएगा। जी हाँ, उस एनर्जी को वो उसके लिए यूज़ करेगा। और यही टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में वेरेबल्स जैसे लाइक फिटनेस बैंड या फिर कोई भी वॉचिज़ है उसमें ये यूज़ होने वाली है ऐसी टेक्नोलॉजी। जी हाँ, जिससे क्या होगा कि आपकी कभी वेरेबल की बैटरी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जी हाँ, अगर आप चलेंगे तो आपकी बैटरी ऑटोमेटिकली ही चार्ज हो जाएगी। फैक्ट नंबर 1, कैसा हो अगर हमें कभी टेंशन ही ना लेनी पड़े चार्ज करने की बैटरी को? जी हाँ, हमें सिर्फ एक बार बैटरी चार्ज करनी है, वो अराउंड 28,000 साल तक चलेगी। जी हाँ, एक बार अपना स्मार्टफोन चार्ज कीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए, लाइफ टाइम चलिए, क्योंकि ऐसी बैटरीज की प्रॉपर्टी होगी सेल्फ चार्जिंग की। जी हाँ, एक कंपनी है कैलिफोर्निया बेस्ड NDB। जी हाँ, NDB कंपनी ने क्या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, या बोल सकते ऐसी बैटरी प्रोटोटाइप को इंट्रोड्यूस किया है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन 14, जी हाँ, जो न्यूक्लियर वेस्ट के कार्बन 14 है उसको आर्टिफिशियल डायमंड के अंदर एंट्रैप कर दिया है। जी हाँ, एक तरह से बैटरी बना दिया है, और जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप उस बैटरी को एक बार चार्ज कर देते हैं तो थ्रू आउट लाइफ, मतलब आप बोल सकते हैं आपकी बैटरी एक तरह से अनलिमिटेड हो जाएगी, 28,000 साल तक आपको कोई चार्ज करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, बस एक बार चार्ज कीजिए और 28,000 साल तक बैटरी को चलाइए। जी हाँ, ऐसे प्लान है हमारे फ्यूचर में रियल लाइफ बेस्ड बैटरी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर ऐसी बैटरीज इंट्रोड्यूस होती है तो हमारे को गैजेट्स चलाने में काफ़ी आसानी रहेगी, कभी चार्ज करने का टेंशन ही नहीं रहेगा, मतलब अनलिमिटेड बैटरी। होप आपको ये फैक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और आपके सामने ऐसे इनक्रेडिबल फैक्ट्स को लेके आते रहें। साइनिंग ऑफ, गुड बाय दोस्तों।